रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पर भारी पड़े नाइट राइडर्स। सुनील नारायण ने तोड़ी आरसीबी की कमर। अकेले दम पर विराट की टीम को कर दिया आउट। आईपीएल में कोड़बो लोड़बो जीतबो का नारा देने वाली किंग खान के कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एलिमिनेटर मुकाबले में हराकर इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट कर दिया है और इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस के 14 साल का आईपीएल ट्रॉफी का इंतजार अब और भी लंबा हो गया है और टीम के कप्तान विराट कोहली का भी ये मैच बतौर कप्तान आखिरी मैच साबित हुआ है। विराट कोहली अब कभी अपनी कप्तानी में आईपीएल चैंपियन भी नहीं बन सकेंगे। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करने वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए इस मैच में काल बनकर आए कोलकाता नाइट राइडर्स के इतिहास के सबसे बड़े मैच विनर सुनील नारायण। सुनील नारायण ने इस मैच में वो सब कुछ कर दिया जो एक खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान पर गेंद और बल्ले के साथ कर सकता है। एक समय पर कप्तान विराट कोहली मैदान पर पूरी तरह से सेट दिख रहे थे और पावर प्ले में अच्छी शुरुआत के बाद आरसीबी एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ता हुआ भी दिख रहा था। विराट कोहली ने 33 गेंदों में 5 चौके लगाकर 39 रनों की पारी खेली और उनका स्ट्राइक रेट 118 का था, लेकिन तभी केकेआर के कप्तान ओयन मॉर्गन ने अपने तुरुप के इक्के सुनील नारायण को गेंदबाजी के लिए बुलाया और देखते ही देखते पूरा मैच बदल गया। सुनील नारायण ने अपने 4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट झटक लिए, जिसमें दिल्ली के खिलाफ आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर आरसीबी को मैच जिताने वाले विकेटकीपर बैट्समैन के एस भरत, खुद कप्तान विराट कोहली, बिग शो ग्लेन मैक्सवेल और सुपरमैन एबी डिविलियर्स के विकेट शामिल थे और उनकी इस धारदार गेंदबाजी के चलते बैंगलोर 140 रन भी नहीं बना पाया। और उसके बाद आरसीबी जब 2 विकेट लेकर मैच में वापसी करने की कोशिश कर रहा था, तब उन्होंने बल्ले से भी एक ही ओवर में 3 छक्के जड़कर मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पकड़ से दूर कर दिया और उनके इस धमाके के साथ ही आरसीबी की गेंदबाजी की कमर भी टूट गई। बल्लेबाजी करते हुए सुनील नारायण ने 15 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 26 रन ठोक दिए और सुनील नारायण के इस करारे प्रहार के बाद ये बात भी तय हो गई थी कि विराट कोहली आज बतौर कप्तान अपना आखिरी मैच खेल रहे हैं। हालांकि उसके बाद आरसीबी के गेंदबाजों ने जल्दी विकेट झटक कर आरसीबी को मैच में वापस लाने की भरसक कोशिश की और मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल और हर्षल पटेल ने 2-2 विकेट झटके, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और सुनील नारायण अपना काम कर चुके थे और अंत में कप्तान ओयन मॉर्गन और अनुभवी शाकिब अल हसन की जोड़ी ने 20वें ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिला दी। केकेआर की इस जीत के साथ ही उन्होंने क्वालिफायर 2 में अपनी जगह बना ली है और अब सीएसके के साथ फाइनल में भिड़ने के लिए केकेआर के सामने दिल्ली कैपिटल्स की चुनौती है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का पिछले साल की तरह इस बार का सफर भी एलिमिनेटर मुकाबले में खत्म हो गया है और अब हम कभी भी विराट कोहली को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी करते हुए नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, आरसीबी की आईपीएल 2021 में इस दर्दनाक अंत के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्रिकेट सूत्रा को आपने अगर अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन की घंटी को भी जरूर बजाइए। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और आईपीएल 2021 से जुड़ी हर खबर जानने के लिए बने रहिए क्रिकेट सूत्रा के साथ।